का हिंदी चैनल. कैसे हैं हैं सब लोग? आज का दिन लेकर आए सुपर तड़कता वीडियो. बेटा को कैसे सरवाइव करोगे बहुत इंटरेस्टिंग है एंड बहुत सोचने वाला वीडियो है कि अगर न्यूक्लियर ब्लास्ट हुआ वैसे तो नहीं होगा नहीं होना चाहिए of course, but still, कभी सोचा है नहीं सोचा है तो बेटा अगले दस मिनटों के लिए खाली रुक जाओ देख लो सोच लो और समझ लो न्यूक्लियर ब्लास्ट हुआ तो कैसे सर्वाइव करोगे क्या करना है गुरु मंत्रास. तो है सर आई थिंक इट इज इज इंपॉर्टेंट तो अमित गोइंग टू टीच यू दैट ठीक चलो इसी के साथ बेटा जल्दी जल्दी वीडियो को लाइक करो इसी चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़े रहो आई एम गोइंग टू बी गेटिंग अ लॉट मोर एक्साइटिंग एंड पीपल शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ सबको दिखाओ सबको बुलाओ ज्ञान बांटने से बढ़ता है चलो तो शुरुआत करते हैं बेटा तो पहली बात तो इस वीडियो का थोड़ा बैकग्राउंड सर आप अचानक न्यूक्लियर ब्लास्ट की बात क्यों कर रहे हो हमारा दिमाग ब्लास्ट हो रहा है एग्जाम्स की वजह से तो एज यू आर अवेयर करेंटली दुनिया में एक बहुत बड़ी वॉर तो चल रही है यू यू कैनोट रन अवे फ्रॉम दैट बेटा वो तो है न्यूक्लियर की बातें हो रही है अगेन आई एम नॉट से न्यूक्लियर अटैक होगा अगर हुआ अगर मान लो कभी तो इट्स वेरी अगर मगर अगर मगर तो क्या करे तो देखो न्यूक्लियर न्यूक्लियर ब्लास्ट कब होता है न्यूक्लियर वेपन से या न्यूक्लियर बॉम्ब से न्यूक्लियर वेपन वो होता है दैट अ न्यूक्लियर न्यूक्लियर रिएक्शन 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 अभी में में इज फिशन और फ्यूजन वो सब में हम नहीं घुसेंगे क्योंकि हम अनुभा मैम का रोल प्ले करके आपको ये सब चीजें नहीं बताएंगे लेकिन आपको खाली बेसिक बैकग्राउंड बता रहे हैं अच्छा अभी न्यूक्लियर डिवाइसेस या बॉम्ब्स रेंज फ्रॉम अ स्मॉल पोर्टेबल डिवाइस कैरीड बाय एन इंडिविजुअल टू अ वेपन कैरीड बाय अ मिसाइल मतलब एक इंसान भी कैरी कर सकता है जनरली तो रॉकेट या मिसाइल से होता है बट बहुत ज्यादा डेंजरस और स्कैरी होता है हंड्रेड परसेंट इट इज वेरी वेरी स्कैरी अच्छा न्यूक्लियर एक्सप्लोजन बेटा कैन कॉज सिग्निफिकेंट डैमेज एंड कैजुअलिटीज दिस इज द मोस्ट वेरी सम न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी है क्लीनेस्ट सेफ सॉरी द मोस्ट एनर्जी एफिशियंट नॉट सेफेस्ट But the most मतलब अगर गलत यूज हुई ना भाई साहब सबसे ज्यादा किधर नहीं होगा बट कैन यू कैन कीप यी सेफ बेटा बाई नोइंग हम ये जानने वाले हैं कि कल को गॉड फॉर बिट न्यूक्लियर अटैक का कुछ हो आपको क्या करना है अभी ध्यान से सुनो छोटा सा वीडियो बेटा पहले पहले तो अंदर भागो बाहर मत रहो बिकॉज रेडिएशन एंड जो हीट आने वाली है सो गेट इन बिल्डिंग टू अवॉइड रेडिएशन बेटा ब्रिक और बेस्ट ऑफ द बेस्ट है हंड्रेड परसेंट रिमेंबर रेडिएशन का नंबर वन शील्ड इज लेड लेड की बिल्डिंग्स तो नहीं होती है वैसे इसीलिए लेड के सूट्स पहनते हैं हमारे रेडिएशन के एक्सपर्ट्स लेकिन अगर ये पहनोगे तो होपफुली बच जाओगे लेकिन पहले पहले अंदर भागो। जितने थिक वॉल्स के अंदर रहोगे कुछ नहीं होगा उतना सेफ रहोगे प्लीज रिमेंटिटली अपने कपड़ों को चेंज करना पड़ेगा और आपको पूरी की पूरी अपनी स्किन को वॉश करना पड़ेगा क्यों काहे कब कैसे सॉरी so, ना जला है ना फटा है ना लगा है रेडिएशन ठीक है ना जानते हुए भी अनजाने में भी आप रेडिएशन निकल के आपसे चिपक गई है बेटा जो धीरे 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 धीरे, धीरे आपके

ट है गो टू देशमेंट गो टू दिडल ऑफ द बिल्डिंग स्टे अवे फ्रॉम द आउटर वॉल्स अवे फ्रॉम द रूफ काट गिरने का डर बहुत सारी चीजें <clears throat> जितना अंदर लेयर 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 मतलब दीवार के बाद दीवार के बाद दीवार छत के नीचे छत के नीचे आप उतना बेटर उतना ज्यादा आप प्रोटेक्टेड रहोगे दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट अच्छा प्लीज रिमेंबर स्टे इन साइड के साथ 24 फोर आवर्स तक मिनिमम आपको अंदर रहना ही चाहिए अनलेस एंड अनटेल आपको दूसरी इंस्ट्रक्शन सुने अभी मुझे पता है आप बोलोगे सर न्यूक्लियर ब्लास्ट में इंस्ट्रक्शन कहाँ से आएगी व्हाट्सएप पे या इंस्टाग्राम पे बता रहे हम बता रहे हैं टेंशन है, मत लो ठीक है लेकिन एटलीस्ट ट्वेंटी फोर आवर्स तक बाहर जाना इज नॉट रिकमेंडेड वेरी वेरी अनसेफ वेरी वेरी पॉइजनस एंड अनहेल्दी हवा तक में बेटा रेडिएशन सस्पेंडेड रहता है ठीक है बहुत हवाएं चली है तो रेडिएशन निकल जाएगा सोचो अगले वाले शहर तक पहुंच जाएगा इतना स्कैरी है इतना ज्यादा चलो आपको अंदर ही रहना है जहां पे हो वही रहना है एंड धीरे धीरे फिर आपको रीयूनाइट करना है मिलना है लेकिन तो भी रेडिएशन से बच के मतलब कि आपने अपने आप को वॉश कर दिया है सैनिटाइज कर दिया है क्लीन कर दिया है कपड़े चेंज कर दिए हैं अंदर के कपड़े पहने हैं बाहर के कपड़े नहीं पहने हैं ये सब ध्यान रखना है अपने फैमिली के साथ ठीक है एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट बेटा पेट्स ये एक चीज है जो हम लोग भूल जाते हैं इग्नोर करते हैं कि पेट्स आर लिविंग बींग्स अगर रेडिएशन हमको एफेक्ट कर सकती है हमसे चिपक सकती है आपके पेट्स को भी तो इफेक्ट करेगी उसी तरीके से उनको भी चिपकेगी उनको भी जानलेवा होगी सो ऑल द पेट्स योर डॉगोज योर कैटीज योर एनी बर्ड्स जो भी है हैव टू बी एट ऑल टाइम्स विद यू सेम थिंग अगर उन्होंने कोई लीज पहना हुआ था लीज चेंज अगर उनको इम्यूजिटी नहलाओ उनको साफ करो ऑल ऑफ दीस थिंग्स चलो मोस्ट इंपोर्टेंट विच इज वेरी बेसिक ठीक है छोटा सा वीडियो है नाउ सर न्यूज़ सब कुछ बंद हो जाएगा रेडिएशन रेडिएशन जो कर रहे हो तो बेटा अभी आपको सुनना पड़ेगा न्यूज की कब अगला अपडेट आएगा क्योंकि यू हैव नो आइडिया बाहर तो जा नहीं सकते हो तो पता कैसे चलेगी बाहर की न्यूज आपको जानना पड़ेगा कब निकल सकते हैं कहां जा सकते हैं विच आर द सेफ जोन जोन मतलब जहां पे रेडिएशन की मात्रा बहुत कम है जहां पे सेफ है तो अभी काम में आएगा बैटरी ऑपरेटेड रेडियो हैंड क्रैंक रेडियो मीन बा हैंड क्रैंक हैंड क्रैंक में ना बेटा ऐसा एक नॉब होता है जिसमें ना नॉब मतलब घुमाने वाला उससे ना आप फ्रीक्वेंसी चेक कर सकते हो टेस्ट कर सकते हो और आपको ए एम किंतु एफ एम सुनने में आएगा अभी ए एम और एफ एम क्या होता है रेडियो के चैनल्स होते हैं ठीक है एंड बेटा बैटरी ऑपरेटेड यस yes, आपके सेल्यूलर फोन ऑपरेटेड मोबाइल नेटवर्क ऑपरेटेड वाईफाई ऑपरेटेड धजिया वो सब नहीं चलने वाला वो भूल जाओ ठीक है तो अगर किसी के पास वो वाला बैटरी ऑपरेटेड वाला है वॉकमैन है ऐसे कोई प्रकार का पुराने जमाने का रेडियो है वो काम करेगा वो चलेगा लैंडलाइन फोन्स शायद चल सकते हैं मोबाइल फोन्स बंद क्योंकि उसकी वायर्स जाती है अंडर द ग्राउंड अंडर द सी वो बच जाएगा बाकी काम नहीं करेगा अच्छा सेल फोन टेक्स्ट मैसेजिंग टेलीविजन इंटरनेट सर्विसेज खत्म एंड तभी पता चलता है कि हमारा जो डिपेंडेंसी है कितना ज्यादा इन चीजों पे इनके बिना लाइफ रुक जाती है इसीलिए बेटा आपको एक बेसिक एग्जांपल देते हैं घर पे लाइट चली गई रात को वो, क्या करोगे घर पे लाइट चली गई हम बताते हैं सर हम लोग टॉर्च लाइट यूज करेंगे सेल की What if your cell phone has no power? What if electromagnetic radiation अचानक आपका cell phone को you know wipe off कर दे हो भी सकता है इसीलिए बेटा कैंडल और माचे रखो बहुत इंपॉर्टेंट है एक बैटरी ऑपरेटेड टॉर्च रखो क्योंकि ये सब चीजें कभी रुकेंगी नहीं कुछ भी हो जाए बेटा द नेक्स्ट वर्ल्ड वॉर विल नॉट बी अ बॉम्ब अटैक या एक्चुअल वॉर या इवन अ न्यूक्लियर वॉर होपफुली नॉट इट विल बी अ साइबर अटैक इट विल बी अ डिजिटल अटैक मतलब कि नॉन डिजिटल भी जरूरी है ये चीजें याद रखो चलो फिर अभी जो हमने आपको इतना सब कुछ बताया है कमेंट सेक्शन में जल्दी जल्दी लिखो लाइव चैट में जल्दी जल्दी लिखो कौन सा आपको सबसे ज्यादा तड़कता भड़कता लग रहा है हमको भी बताओ जल्दी जल्दी बताओ चलो अभी बेटा अगले साल के लिए

फिफ्टी फाइव परसेंट डिस्काउंट है अगर आप हमारे कूपन कोड ए आर ओ प्रो वन लगाओगे बेटा ये डिस्काउंट भी ज्यादा टाइम नहीं रहेगा सिमिलरली ग्रेड नाइन का ब्रिज कोर्स है काहे सर जो जो बच्चे नाइन्थ ग्रेड में जा रहे हैं वो ये ब्रिज कोर्स ले लो मैसिव डिस्काउंट है फिफ्टी ठीक है चलो पीपल इसी के साथ पहले पहले चलेंगे हम लोग यूट्यूब पे और आपको दिखाते हैं कि कैसे एनरोल करना है ये देखो बाबुआ अमित सर के कोई भी वीडियो में चले जाओ ठीक है इस वीडियो के अंदर जाने के बाद आपको क्या करना है आपको जाना है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अभी डिस्क्रिप्शन में बॉक्स में शो मोड पर जब आप क्लिक करते हो आपको मिलते हैं बहुत सारे ऑप्शंस ठीक है तो बेटा अभी देखो ब्रिज कोर्स के ऑप्शन में जाओगे इसके अंदर जाके आपको अपना ग्रेड और बोर्ड सेलेक्ट करना है समझो आपने सेलेक्ट किया क्लास नाइन क्लास नाइन के अंदर देखो अभी यहाँ पे ब्रिज कोर्स है ब्रिज कोर्स के अंदर जैसे हमने आपको बोला अमित सर का कूपन कोड ए आर ओ प्रो वन लगाओगे सिक्सटी फाइव परसेंट डिस्काउंट है फॉर्टी टू परसेंट डिस्काउंट है बेटा ब्रिज कोर्सो awesome. चलो इसके साथ साथ अच्छा हेलो हलो बेटा ये जो फीस है दिस इज फॉर ऑल द सब्जेक्ट आपको केवल सात सौ में फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स बायो इंग्लिश सोशल स्टडीज सब कुछ मिलेगा अच्छा सर अभी अगर मेरे को प्री बुकिंग करना है तो अभी क्लास नाइन का अगर आप जाते हो प्री बुकिंग में ये वो बच्चों के लिए है जो ग्रेड एट से ग्रेड नाइन में आ रहे हैं सिमिलरली अगर आप ग्रेड नाइन से ग्रेड टेन में जा रहे हो ग्रेड टेन की प्री बुकिंग करो बेटा इसमें आपको तीन खेला प्रोडक्ट्स है प्रो लाइट है जिसमें आपको लाइव क्लासेस टेस्ट सीरीज असाइनमेंट डाउट सॉल्विंग सब कुछ मिल जाएगा केवल किंतु परंतु 19,600 बेटा 40 परसेंट डिस्काउंट कर दिया है अगर आप अमित सर का कूपन कोड ए आर ओ प्रो वन लगाओगे फोर्टी परसेंट अभी मिलेगा आगे नहीं बेटा इसमें आपको तड़कते भड़कते तत्व बुक, सब कुछ मिल जाएगा ठीक है प्रो क्लासिक है इस पर भी फोर्टी परसेंट डिस्काउंट है बेटा थोड़े से पैसे एक्स्ट्रा भर के आपको डाउट सॉल्विंग ऑन द मोबाइल ऐप मिल रहा है फाइनली फॉर प्रो प्लस विच इज द नंबर वन प्रोडक्ट पर्सनल मेंटर पूरा साल मिलेगा ठीक है एंड बेटा आप किसी भी अंदर जाके बाई कंप्लीट कोर्स पे क्लिक करोगे पहली बात तो देखो कितना आपने बचाया है हमारे कूपन कोड ए आर ओ प्रो वन के साथ एंड आपके पास सारे पेमेंट ऑप्शन है दैट इज क्रेडिट कार्ड नेट बैंकिंग फोन पे भीम पे पेटीएम पे इस पे उस पे अच्छा अभी सर वॉट इफ मै को इसके अलावा ठीक है प्री बुकिंग के अलावा मेरे को ग्रेड टेन में हूं मैं अभी तो बेटा ग्रेड टेन के बाद अभी आप सोच रहे हो आई ले या नीट ले

और दिखाओ हमको एआरओ प्रो अप्लाई हो गया सेविंग आ गई ठीक है बेटा इस पे आपको 15 डेज फ्री कर देंगे हम तो 30 डेज का आपको टोटल मिलेगा ठीक है बाय कंप्लीट कोर्स पे जाना है अंदर जाके मेरे हिसाब से सबसे बेस्ट क्या करना है बेटा जीरो इंटरेस्ट ईएमआई पे जाओ तो आप 60000 की फीस भर रहे हो 2 साल में पर मंथ आपका ईएमआई जाएगा मम्मी पापा को पिंच नहीं होगा आपकी तैयारी बनी रहेगी दैट इज ऑसम ठीक है चलो अभी हमने आपको सारे ऑप्शन बता दिए बेटा सेम गोज फॉर ये दृष्टि नीत है दृष्टि भी है आ जाओ वेदांतों से जुड़ जाओ साथ में पढ़ेंगे मस्ती करेंगे एंड फाइनली पीपल इसी के साथ आई होप द वीडियो वाज यूजफुल मुझे जरूर बताना कमेंट सेक्शन में कि आपको सबसे ज्यादा इसमें क्या अच्छा लगा आपके क्या थॉट्स हैं अबाउट अ न्यूक्लियर ब्लास्ट हैपनिंग हैपनिंग और नॉट इसी के साथ थैंक यू सो मच प्लीज टेक केयर जुड़े रहना लाइक और सब्सक्राइब जरूर करके जाना दिस इज अमित सर साइनिंग ऑफ